फाइंड द HCF एंड एक्सप्रेस एज अ लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ देम। तो हमें दो नंबर्स ये हैं 1288 एंड 573। तो हमें इन दोनों का HCF डिटरमाइन करना है एंड देन HCF को लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू नंबर्स में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम 1288 को अगर 575 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स हम इसे डिवाइड कर सकते हैं? तो ओनली हम इसे टू टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं। तो आ जाएगा 1288 इज इक्वल टू 575 इंटू टू। अब 575 इंटू टू की वैल्यू कितनी होती है? इट इज इक्वल टू 1150। तो उसके बाद भी हमारे पास में क्या अगर कितनी वैल्यू बचेगी? 138 बच जाएगी। ओके तो हमारे पास में जाएगा 1 प्लस में आ जाएगा 138 प्लस 138। नाउ अब हमें क्या करना चाहिए? लेट्स सी, अब हमें 575 को हम क्या करेंगे? 138 से डिवाइड करेंगे। ओके तो अब 575 को हम 138 से कितने टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं? तो इसे हम क्या कर सकते हैं? 4 टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं। तो आ जाएगा क्या? 138 इंटू 4। तो आएगा 138 इंटू 4। और अगर 4 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो उसके बाद हमारे पास में रिमाइंडर क्या बचेगा? अगर हम देखेंगे यहाँ से तो हमारे पास में रिमाइंडर आ जाएगा कितना? 23। तो इस केस में हमारे पास में ओनली रिमाइंडर बचेगा 23। नाउ अब हम क्या करेंगे? 138 को करेंगे किससे डिवाइड? 138 को हम डिवाइड करेंगे 23 से। तो देखा 138 इज इक्वल टू 23 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा? 6 टाइम्स। तो आएगा 23 इंटू 6 प्लस 0। तो रिमाइंडर क्या आ गया? 0 इस केस में, क्योंकि 6 टाइम्स ऑलरेडी डिवाइड हो गया। तो जब भी हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है तो जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं वो क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और आई कैन से HCF। तो HCF क्या आ गया इस क्वेश्चन का? तो HCF ऑफ दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू व्हाट? 23। नाउ अब हमें क्या करना है? हमें HCF को इन दोनों के लिनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। लेट्स सी अब हम कैसे कर सकते हैं। तो अब ये वाला अगर हम पार्ट देखते हैं, ठीक है, 575 वाला। ओके नाउ अब अगर हम यहां से देखेंगे तो 575 माइनस 23, ये क्या लिखा हुआ है? 575 माइनस 23, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू 138 इंटू 4 के इक्वल है। तो यहां से हमारे 138 क्या हो जाएगा? 138 इज इक्वल टू व्हाट? यहां से 138 की वैल्यू आ जाएगी 138 इज इक्वल टू 575 माइनस 23 बाय 4। नाउ अब हम क्या करेंगे? इस वैल्यू को जो हमारी इनिशियल इक्वेशन थी 1288 वाली, इसमें हम यहां से पुट कर देंगे। ठीक है, इस वैल्यू को हम यहां से यहां पुट कर देते हैं। तो जैसे इक्वेशन में पुट करेंगे वैल्यू क्या हो जाएगी? लेट्स सी, तो अब हमारी इक्वेशन हो जाएगी 1288 इज इक्वल टू व्हाट? 575 इंटू क्या है यहाँ पे? 575 इंटू 2 प्लस में क्या जाएगा? 575 माइनस 23 बाय 4। नाउ अब अगर हम LCM लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन क्या जाएगी यहां से? तो हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी 1288 इंटू 4 इंटू में आ जाएगा 4, और यहां भी क्या आ जाएगा हमारे पास में? 575 इंटू 8 प्लस, उसके बाद क्या है हमारे पास में? 575 माइनस 23। तो अब इस 23 को हम क्या ले जाते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में, और 1288 इंटू 4 को राइट हैंड साइड में ले आएंगे। तो इक्वेशन क्या जाएगी? हो जाएगा 23 इज इक्वल टू 575 इंटू 8 प्लस 575, कितना हो जाएगा ये? 575 इंटू 9 हो जाएगा ये, और माइनस में हो जाएगा 1288 इंटू 4। तो अब हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि हमने क्या करा है, हमने जो HCF है इन दोनों नंबर्स का उसे लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 575 एंड 1288 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, जहाँ पे हमने 575 को मल्टीप्लाई किया है 9 से एंड 1288 को मल्टीप्लाई किया है 4 से। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये किस फॉर्म में है, ये है 23 इज इक्वल टू 575x माइनस 1288y की फॉर्म में। और इसका एक सॉल्यूशन क्या है अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एक सॉल्यूशन है व्हेन एक्स इज इक्वल टू 9 एंड वाई इज इक्वल टू 4। ऐसे और भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं।